हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, पर इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर आप सभी लोगों को कंफ्यूजन है। दरअसल दोस्तों, इस बार भद्रा होने के कारण रक्षाबंधन 30 और 31 अगस्त को मनाने को लेकर मतभेद है। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन अगर भद्रा होती है तो बहनों को उस समय अपने भाई बहनों की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं रक्षाबंधन का पर्व 30 या 31 अगस्त कब मनाया जाएगा, और आज हम आपको बताएंगे कि आपके भाई की राशि के अनुसार कौन सी राखी और कौन से रंग की राखी आपको अपने भाई की कलाई पर बांधनी चाहिए, ताकि उसे जीवन में तरक्की मिलती रहे और उसकी आयु भी लंबी हो। और दोस्तों, इसके साथ अब हम आपको रक्षाबंधन से जुड़े कुछ विशेष उपाय बता रहे हैं, जिनको अपनाने से आपके भाई की सोई किस्मत जाग सकती है। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके आपके अपने चैनल शुभ मंगल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर और आपके भाई पर महादेव की कृपा बरसाती रहे, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है और उसकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई जी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्यौहार मनाना अशुभ बताया गया है, इसीलिए भूल कर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधे। दोस्तों, पुराणों के मुताबिक भद्रा को शनिदेव की बहन और सूर्यदेव की पुत्री बताया गया है। स्वभाव में भद्रा भी अपने भाई शनि की तरह कठोर है। ब्रह्मा जी ने इनको काल गणना में विशेष स्थान दिया है। दोस्तों, हिंदू पंचांग को 5 प्रमुख अंगों में बांटा गया है, तिथिवार, नक्षत्र और करण। इसमें 11 करण होते हैं, जिनमें से 7वें करण विष्टि का नाम भद्रा बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन मुहूर्त में भद्रा काल का विशेष ध्यान रखा जाता है। माना जाता है कि भद्रा का समय राखी बांधने के लिए अशुभ होता है। इसके पीछे की वजह भगवान शिव और रावण से जुड़ी एक कथा है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण के पूरे कुल का विनाश हो गया, रावण का अंत हुआ। इस कारण भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। वहीं यह भी कहा जाता है कि भद्रा के वक्त भगवान शिव तांडव करते हैं और वह काफी क्रोध में होते हैं। ऐसे में अगर उस समय कुछ भी शुभ काम करें तो उसे शिवजी के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, अच्छे काम भी बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसीलिए भाई बहन दोनों स्नानादि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा ले और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि अवश्य रखें, और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बिठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे, और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं और भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के और अंत में आरती करें। अब आप अपने भाई के दाहिने हाथ में राखी बांधे और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराकर भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा सूत्र का वचन दे और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2023 में रक्षाबंधन त्यौहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अगस्त 2023 की सुबह 10:50 से हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 31 अगस्त 2023 की सुबह 7:05 पर होगी। हालांकि पूर्णिमा तिथि उदया तिथि में 31 अगस्त को पड़ेगी, लेकिन 30 अगस्त को पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसके 30 अगस्त 2023 दिन बुधवार को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना बेहद ही शुभ रहेगा, और इस दिन रवि योग में राखी बांधने का शुभ समय होगा। 30 अगस्त की रात्रि को 9:03 से लेकर 31 अगस्त की सुबह 7 बजे तक दोस्तों इस दिन अमृत योग भी लग रहा है, और इस दिन आयुष्मान योग भी रहेगा और सौभाग्य योग भी लग रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार 30 अगस्त को भद्रा काल रहेगा, यानी भद्रा का साया रहेगा। भद्रा काल की शुरुआत
30 अगस्त की सुबह 10:59 से रात्रि 9:02 तक रहेगा। दोस्तों इसीलिए इस बार पूरा दिन भद्रा होने के कारण राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। रात में 9:03 से होगा। दोस्तों बात करें राखी बांधने का शुभ मुहूर्त की, तो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त 2023 की रात्रि 9:03 से लेकर अगले दिन 31 अगस्त की सुबह 7 बजे से पहले पहले राखी बांधे। दोस्तों इस बात का ध्यान रहे कि 30 अगस्त को पूरा दिन भद्रा का साया रहेगा। भद्रा काल में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश ही होता है, इसलिए भाई को इसमें कभी भी राखी ना बांधे, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए रात के समय ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन ये समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों कई लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि वह लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाते। इसके लिए आप 31 अगस्त की सुबह को रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। इसके लिए आप 31 अगस्त की सुबह पूर्णिमा तिथि होने से पहले, पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले यानी कि 31 अगस्त 2023 की सुबह 7 बजे से पहले ही राखी बांध सकते हैं। दोस्तों बीएस आप ध्यान रखें, 31 अगस्त को सूर्य उदय के बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाए। 31 अगस्त को सूर्योदय से पहले सुबह 5:47 पर हो जाएगा, इसलिए आप 31 अगस्त को सुबह 5:47 से सुबह 7:02 के बीच अपने भाई को राखी बांध सकती है। दोस्तों रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहन को चाकू छुरी आदि कभी भी नुकीली चीज नहीं देना चाहिए, इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा, सुंदर वस्त्र, गहने आदि अवश्य भेंट करें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आपके भाई की राशि के अनुसार कौन सी राखी और कौन से रंग की राखी आपको अपने भाई की कलाई पर बांधनी चाहिए। मेष राशि ज्योतिष के अनुसार मेष राशि के जातकों पर मंगल ग्रह का प्रभाव होता है। लाल रंग ऐसे लोगों के लिए शुभ होता है। ऐसे में यदि आपके भाई की राशि मेष है तो आपको अपने भाई की कलाई पर लाल रंग की राखी बांधनी चाहिए। वृष राशि का स्वामी शुक्र है। इस राशि के जातकों के लिए नीला, जामुनी, सफेद रंग इनके लिए शुभ होता है। ऐसे में यदि आपके भाई की राशि वृष है तो आप उनके लिए नीली रंग की राखी खरीद सकते हैं। नील रंग की राखी आपके भाई के जीवन में खुशियां लेकर आएगी। मिथुन राशि, यदि आपके भाई की राशि मिथुन है उनके लिए हरे रंग की राखी शुभ होगी। दरअसल मिथुन राशि पर बुध का प्रभाव होता है, इसलिए इन लोगों के लिए हरे रंग को अधिक भाग्यशाली माना जाता है। कर्क राशि ज्योतिष के अनुसार कर्क राशि के लोगों पर चंद्रमा का प्रभाव होता है और सफेद रंग कर्क राशि के लोगों के लिए काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में यदि आपके भाई की राशि कर्क है तो उनकी कलाई पर सफेद रंग की राखी बांधनी चाहिए। सिंह राशि, यदि आपके भाई की राशि सिंह है तो आप उनके लिए लाल या पीली रंग की राखी ले सकते हैं। सिंह राशि पर सूर्य का प्रभाव होता है, लाल या पीले रंग की राखी आपके भाई के लिए शुभता लेकर आ सकती है। कन्या राशि, कन्या राशि पर बुध का प्रभाव होता है। ऐसे में यदि आपके भाई की राशि कन्या है तो उनकी कलाई पर गहरे हरे रंग की राखी बंधे। हरे रंग की राखी आपके भाई के रुके हुए सारे कार्यों को पूरा करने में मदद करेगी। तुला राशि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुला राशि के लोगों पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है। ऐसे में यदि आपके भाई की राशि तुला है तो उनकी कलाई पर गुलाबी रंग की राखी बांधे। इस रंग की राखी आपके भाई के जीवन को खुशियों से भर देगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों पर मंगल ग्रह का प्रभाव होता है। ऐसे में यदि आपके भाई की राशि वृश्चिक है तो उनकी कलाई पर आपको मेहरून रंग की राखी बांधनी चाहिए। मेहरून रंग की राखी आपके भाई पर आने वाले संकटों को दूर करेगा। धनु राशि, यदि आपका भाई धनु राशि का है तो उस पर शुक्र का प्रभाव है। ऐसे में भाई की कलाई पर पीले रंग की राखी बांधे। ज्योतिष के अनुसार पीले रंग की राखी आपके भाई को सफलता की ओर ले जाएगी। मकर राशि, मकर राशि के जातकों पर शनि का प्रभाव होता है। ऐसे में यदि आपके भाई की राशि मकर है तो आपको उन्हें नीले रंग की राखी बांधने चाहिए। नील रंग की राखी आपके भाई के जीवन में सफलता और खुशियां लेकर आएगी। कुंभ राशि, यदि आपका भाई कुंभ राशि का है तो गहरे हरे रंग की राखी आपके भाई के लिए शुभ हो सकता है।
मान्यता है कि गहरे हरे रंग की राखी आपके भाई के जीवन की रक्षा करेगी। मीन राशि ज्योतिष के अनुसार मीन राशि के लोगों पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोगों के लिए पीला रंग सबसे शुभ माना जाता है। वहीं यदि आपके भाई की भी राशि मीन है तो उनको पीले रंग की राखी बंधे। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको रक्षाबंधन से जुड़े कुछ विशेष उपाय बता रहे हैं जिनको अपनाने से आपके भाई की सोई किस्मत जाग सकती है। फिटकरी के उपाय से मिलेगी नौकरी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपका भाई नौकरी की तलाश में है और काफी अथक प्रयास के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है तो रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के तुरंत बाद एक फिटकरी लेकर अपने भाई के ऊपर से उबार कर आग में जला दें। फिटकरी उबारते समय इस मंत्र ओम सोमेश्वराय नमः का जाप करना ना भूलें। इससे भाई के जीवन में नौकरी संबंधित आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी। हनुमान जी को बांधे राखी रक्षाबंधन पर हनुमान जी के मंदिर जाकर बालाजी को ध्वजा नारियल चढ़ाएं, साथ में मिठाई का भोग लगाएं और राखी बांधें और सुख समृद्धि की कामना करें। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होकर भाई बहन के जीवन में कभी संकट नहीं आने देंगे। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए अगर आपका भाई आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है तो रक्षाबंधन वाले दिन एक लाल कपड़े में एक रुपये का सिक्का और सुपारी को बांध लें। इसको आप भाई या अपने परिवार की तिजोरी में रख दें। साथ में मां लक्ष्मी का ध्यान करें, इससे आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। मानसिक तनाव दूर करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भाई के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए राखी के दिन उसे राखी बांधने के बाद उसकी पसंदीदा वस्तु तोहफे में दें। इसके बाद रात्रि में चांद को अर्घ्य जरूर दें। रक्षाबंधन पूर्णिमा तिथि को रहती है और पूर्णिमा को चांद अपनी पूर्ण कलाओं में रहता है। इससे उसका मन मस्तिष्क शांत रहने लगेगा। सूर्य देव को दें अर्घ्य। भाई बहन में प्रेम व परिवार में सुख समृद्धि के लिए रक्षाबंधन के दिन सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना बेहद शुभ होता है। इससे सूर्य की तरह ही भाई की किस्मत चमक उठेगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।